को पार्ट बाय अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और फिक्र में अब वक्त हो गया है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें देखने का। लेकिन आपको बता दें, अभी अभी प्रधानमंत्री का यूएन में संबोधन समाप्त हुआ है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर कुछ बड़ी बातें की हैं। ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं, पूरा एनालिसिस दिखाने वाले हैं। वैश्विक शांति की बात की है, ग्लोबल रिफॉर्म्स की बात की है। लेकिन अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाइए, टॉप 9 न्यूज आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का संबोधन, समिट ऑफ द फ्यूचर को किया संबोधित। समिट में वर्तमान मुद्दों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा, वैश्विक सहमति बनाने के लिए दुनिया के नेताओं को साथ लाने का प्रयास, आतंकवाद पर वैश्विक शांति और ग्लोबल रिफॉर्म की बात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद नरम पड़ी कुमारी शैलजा के तेवर, कहा नाराजगी की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में प्रचार में जाऊंगी। गृहमंत्री अमित शाह का हमला, कहा कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी, हमेशा दलितों का अपमान किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान, परिवार के रूप में हम साथ साथ हैं, अजीत अलग दल का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के फैसलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा दांव, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदला, वारकरी समुदाय के संत तुकाराम के नाम पर नया नाम, ब्राह्मण और राजपूत समाज के लिए महामंडल बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया। बाल यौन शोषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शीर्ष अदालत ने कहा बाल यौन शोषण के वीडियो देखना या डाउनलोड करना पॉक्सो के तहत अपराध है। न्यायालयों से कहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह बाल यौन शोषण जैसे शब्द का इस्तेमाल करें। ऑस्कर की रेस में पहुंची निर्देशक किरण राव की फिल्म लापता लेडीज, फॉरेन फिल्म कैटेगरी 2025 के तहत भारत की आधिकारिक एंट्री, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है फिल्म, किरण राव ने चयन समिति का आभार जताया। भारत में एमपॉक्स के क्लेड 1B स्ट्रेन के पहले मरीज की पुष्टि हुई है। यूएई से केरल लौटे युवक में मिला वायरस, पिछले महीने इस स्ट्रेन को WHO ने हेल्थ इमरजेंसी की कैटेगरी में डाला था। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, मलारी नीति बॉर्डर हाईवे पर टूटकर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, रास्ता बंद होने से बॉर्डर पर स्थित सेना की चौकियों और 12 से ज्यादा गांव के बीच आवाजाही बाधित हो गई है। और कारोबार के दौरान शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, सेंसेक्स 384 अंक चढ़कर 84,928 पर बंद, निफ्टी 148 अंक ऊपर 25,939 पर बंद, बैंक और रियलिटी सेक्टर के शेयर चमके। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपसे थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विश्व शांति के लिए विकास में सुधार को जरूरी बताया है, तकनीक के सुरक्षित उपयोग की जरूरत पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने ग्लोबल मंच से आतंकवाद पर प्रहार किया, आतंकवाद को उन्होंने विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में अशांति के बीच भारत की भूमिका का जिक्र किया है, कहा है कि भारत मानव हितों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटल फील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है।
और जरा गौर करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ये उस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिस देश ने अब चीन को ग्रोथ के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस साल चीन में पिछले 5 दशक में पहली बार 2.5 से 3% ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है और भारत इससे कहीं गुना ज्यादा आगे है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का आज अंतिम दिन है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या कुछ कहा यह आपने अभी देखा। अमेरिका में वो क्वाड समिट में शामिल हुए, वहां भारत की धाक दुनिया ने देखी। अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की बॉन्डिंग वर्ल्ड ट्रेंडिंग थी। आपने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के बीच मोदी मोदी के नारे भी जरूर सुने होंगे। पिछले साल वहीं पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं अगले साल जरूर आऊंगा चुनाव जीतकर। लेकिन अब आपको भारत की सेमीकंडक्टर चिप वाली क्रांति दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी मेगा डील हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह परमाणु समझौते से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस डील में भारत ने चीन की चिंताएं भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी। ये रिपोर्ट देखिए आप। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और ये मोदी की गारंटी है। न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री मोदी ने जब भारतीय समुदाय के लोगों को मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप वाली गारंटी दी तो दिल्ली में सुबह से इस गारंटी पर चर्चा तेज होने लगी। बहस इस बात पर हुई कि ऐसा कैसे संभव हो पाएगा कि एक दिन भारत अमेरिका को मेड इन इंडिया चिप सप्लाई कर पाएगा। तो इसे समझने के लिए आपको पीएम मोदी और बाइडेन के बीच हुई एक खास डील के बारे में जानना चाहिए। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी साझा बयान में फैब प्लांट के बारे में बताया गया। कहा गया कि ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट भारत में वर्ष 2025 तक स्थापित किया जाएगा। इसे स्थापित करने में अमेरिकी स्पेस फोर्स भारत की मदद करेगी और इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चले। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। शक्ति नाम का ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट न सिर्फ भारतीय रक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित होगा। बल्कि इस प्लांट के जरिए भारत अमेरिकी फोर्सेस और उसकी सहयोगी सेनाओं को भी सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई करेगा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि भारत इस प्लांट में किस तरह की चिप भारत और अमेरिका की सेनाओं को ध्यान में रखकर बनाएगा। तो इसका जवाब यह है कि यहां अत्याधुनिक इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। सबसे खास बात, दावा है कि ये सेमीकंडक्टर चिप क्वाड देशों, इंडो पैसिफिक और अफ्रीकी बाजारों को भी भारत से निर्यात होंगे। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से करीब 30 साल पहले अमेरिका ने जो अपनी मेमोरी चिप्स का बिजनेस था, यानी कि ये जो एरिया है, इसको पहले वो जापान गया, उसके बाद ये कोरिया गया और उसके बाद ताइवान। अब अमेरिका को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, वापस आना चाहिए और इसमें उसको एज अ पार्टनरशिप भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सामने खड़ा है चीन जो कि इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने लेकर आ रहा है। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर क्रांति के जरिए भारत चीन को बड़ी चुनौती देगा। ऐसा कैसे होगा, इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। आप ये तो जानते ही हैं ना कि सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल होता है, चाहे आपके टीवी, एसी का रिमोट, ये मेरे हाथ में रिमोट है, या टेलीविजन, कार और मोबाइल फोन। आज की तारीख में हर चीज के निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। स्मार्ट एलईडी बल्ब से लेकर मिसाइल तक सेमीकंडक्टर के बिना बन पाना संभव है। यानी सेमीकंडक्टर को आप भविष्य का फ्यूल भी कह सकते हैं, बल्कि अभी का यह फ्यूल है।
अगर चिप मेकिंग में वर्तमान में चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों का दबदबा है, इन्हीं देशों की कंपनियों से भारत जैसे कई बड़े देश अपना जरूरतों के हिसाब से सेमीकंडक्टर को आयात करते हैं, यह बाजार कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि वर्ष 2025 में भारत इस सेक्टर में $1,000 करोड़, अमेरिका करीब $20,800 करोड़, चीन करीब $1.4 लाख करोड़ खर्च करने की योजना बना चुका है। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट वर्ष 2026 तक $8,000 करोड़ और वर्ष 2030 तक $11,000 करोड़ के स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन याद कीजिए कोरोना काल में क्या हुआ था। कोविड के दौरान पूरे विश्व ने सेमीकंडक्टर की भारी कमी को महसूस किया, कार से लेकर मोबाइल प्रोडक्शन तक प्रभावित हुए। बीते दो वर्षों में सेमीकंडक्टर वाली यह कमी युद्ध के कारण भी देखने को मिल रही है, लेकिन अब भारत और अमेरिका चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए भारत इस सेक्टर में बड़े कदम उठा रहा है और अमेरिका भी इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए भारत के सेमीकंडक्टर मशीन को सपोर्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन में हुई यह डील इस मकसद से भी की गई है। अब आप यहां पर यह भी सोच सकते हैं कि क्या इससे पहले भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं लगे थे, तो यह जानकारी भी आपको होनी चाहिए। पिछले साल ही जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए। इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हुआ। भारत में अब तक ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी हैं। सेमीकंडक्टर बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, आपको यह बताना बहुत जरूरी है। इसके लिए पानी, इसके लिए एनवायरनमेंट, इसके लिए इकोसिस्टम एक बहुत ही टिपिकल टाइप का चाहिए होता है, और वो प्रोवाइड करना अपने आप में एक चुनौती है जिसको भारत पूरा करने के लिए तैयार है। यानी भारत का सपना है कि इस सेक्टर में आगे चलकर शक्ति दिखाई जाए, जिससे भारत न सिर्फ सेमीकंडक्टर का निर्यातक देश बन सके बल्कि यहां रोजगार के बड़े साधन भी उपलब्ध हो पाए। जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है, तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। तेरी पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। कांग्रेस से जुड़ी दो खबरें आपको बताते हैं जिसमें आज विरोधियों पर हमला करने के साथ साथ डैमेज कंट्रोल वाली सफल कोशिश दिखी। जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। हरियाणा कांग्रेस की नाराज नेता कुमारी सैलजा ने नाराजगी की खबरों को गलत बताया। ये दोनों खबरें हैं। पहले राहुल गांधी की बात करते हैं जो आज जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट में थे। उन्होंने यहां एक चुनावी सभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने बीजेपी और समाज को तोड़ने और भाइयों को आपस में लड़ाने का आरोप लगाया। यहां राहुल गांधी ने 5 बड़ी बातें कही। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी में पहले वाला आत्मविश्वास नहीं है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लोगों का लोकतांत्रिक हक छीना गया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। भाई और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं, जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं, और यही काम इन्होंने यहां किया। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी साहब, जनाब राहुल गांधी साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है।
और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। ये इनकी फैलाई हुई नफरत का नतीजा था कि 30 साल तक जम्मू कश्मीर को आतंक के साये को झेलना पड़ा, हमारी 3 पीढ़ियां और 3 दशक जाया चले गए। अगली खबर हरियाणा से है, जहां कांग्रेस ने बड़ा डैमेज कंट्रोल कर लिया है। अभी तो इतने दिनों से सूत्रों से कुमारी सैलजा की नाराजगी की जो खबरें चल रही थी, आज कुमारी सैलजा ने ऑन रिकॉर्ड TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कह दिया है कि वो नाराज नहीं हैं। दरअसल 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि कांग्रेस कुमारी सैलजा का अपमान कर रही है, वो चाहें तो बीजेपी में आ सकती हैं। इसके बाद ऐसी खबरें आने लगी थी कि टिकट बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा के भारी पड़ने से कुमारी सैलजा नाराज है, हालांकि कांग्रेस इससे इनकार करती रही। अब सूत्रों से खबर है कि नाराज कुमारी सैलजा ने कल शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात में सैलजा ने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद खड़गे ने सैलजा को मामला सुलझाने का भरोसा दिया और 1-2 दिन का समय मांगा। जवाब में सैलजा ने कहा है कि 2 दिन में मामला सुलझ जाएगा तो वह प्रचार शुरू कर देंगी। नोट करने वाली बात यह है कि 12 सितंबर के बाद से हरियाणा में प्रचार नहीं किया है। इसी के बाद सैलजा खेमे के रणदीप सुरजेवाला ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि 26 तारीख को नरवाना में सैलजा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा से सांसद कुमारी सैलजा दलित नेता हैं, उन्हें हुड्डा विरोधी खेमे का बताया जाता है, वो सुरजेवाला गुट के करीबी बताई जाती है। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस पर कुमारी सैलजा के अपमान का आरोप लगा दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है और कुमारी सैलजा का अपमान हो रहा है। अमित शाह के इस बयान के बाद अब कुमारी सैलजा ने नाराजगी की खबरों को गलत कहा। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। सारी उम्र लग गई और पुछने लग गई हमारी कांग्रेस पार्टी में बीजेपी में क्या रखा है। हमारी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है, हमारी आस्था कांग्रेस पार्टी में है और हमारे तो खून में कांग्रेस पार्टी है। मेरे पिताजी उनसे पहले, ठीक है हम एक नीचे के उससे आए हैं, लेकिन 3 पीढ़ी लगी है मुझे यहाँ पहुँचने में, तो मैं इस चीज़ को ऐसे कैसे कमा दूँ। चुनाव प्रचार करेंगी, जा रही हैं? जी बिल्कुल, हम 26 से शुरू कर रहे हैं और कई जगह जाएंगे। राजनीति में नाराजगी की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। चुनाव से ठीक पहले नाराज होकर पार्टी का कोई भी जनाधार वाला नेता अच्छा मोल भाव कर सकता है। 61 वर्ष की कुमारी सैलजा को यह पता है कि अगले महीने चुनाव हैं और यह वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इसलिए वो सूत्रों के मुताबिक तो नाराज हैं, लेकिन ऑन कैमरा वो नाराज नहीं है। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र में अब बात राजनीति के मिस्टर इंडिया युग की करते हैं। ठीक सुना आपने, मिस्टर इंडिया युग की राजनीति में, जिसमें कुर्सी पर बैठा व्यक्ति दिखता नहीं है लेकिन उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसकी इच्छानुसार सत्ता चलाता है, उसकी मनपसंद योजनाओं को लागू करता है और उसे हमेशा सुपर सीएम या सुपर पीएम होने का एहसास दिलाता है। राजनीति का यह जांचा परखा प्रयोग इस बार दिल्ली में हो रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका में दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल है। 21 सितंबर को दिल्ली की सीएम पद की शपथ लेने वाली आतिशी ने आज कार्यभार संभाल लिया और इस दौरान उन्होंने अपने ठीक बगल में एक ऊंची कुर्सी खाली रखी। दिखाइए जरा वो शॉट। यह कुर्सी उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए रखी है और दावा किया है कि जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊं रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठा देंगे, तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था और उसी दिन नए सीएम के तौर पर आतिशी के नाम का ऐलान किया था।
तब से लेकर अब तक आतिशी ने तीन बार मीडिया से बात की, तीनों बार कहा कि वो चार महीने के लिए सीएम हैं, फिर अरविंद केजरीवाल ही सीएम होंगे। लेकिन अब तक जो वो कह रही थी, आज उन्होंने उसके लिए विजुअल प्रेजेंटेशन कर दिया, यानी अरविंद केजरीवाल के नाम की कुर्सी खाली रख दी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सीएम आतिशी के स्टाइल से काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि इससे दिल्ली वालों का अपमान हुआ। एक बार बयानों वाली रील देखिए, फिर आपको इस खबर का फिक्र वाला लेंस बताएंगे, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि यह राजनीति का भरत युग है या मिस्टर इंडिया युग। आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे कि दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा, जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊँ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊँ। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है, वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। आप अगर ये शो कर रही हैं कि कोई आत्मा चलाएगी 4 महीने दिल्ली, तो हमारा चिट्ठिया कौन पढ़ेगा? कानूनी रूप से मेरे ख्याल से इसमें कानूनी तौर पर कोई प्रावधान नहीं है कि कौन किस कुर्सी पर बैठता है। तो उन्होंने अपनी जो एक श्रद्धा है, जो उनका विश्वास है, जो उनकी सोच है, उसको उन्होंने उसके माध्यम से सबके सामने रखा है। मिस आतिशी एस एक्सप्रेस्ड आर लॉयल्टी टू मिस्टर अरविंद केजरीवाल, दैट्स ऑल वी शुड अंडरस्टैंड। ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। आज इस हरकत से आतिशी जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब आप सीएम आतिशी के कार्यभार ग्रहण करने वाली तस्वीर को एक बार फिर से देखें। इस तस्वीर में 2 राजनीतिक तकनीकें प्रस्तुत की गई हैं। मिस्टर इंडिया तकनीक, ये राजनीति का मिस्टर इंडिया युग है। कुर्सी पर नेता विराजमान है परंतु दिख नहीं रहा है। चेहरा आतिशी का है और खाली कुर्सी अदृश्य अरविंद केजरीवाल की। खड़ा शासन विधि, सीएम की कुर्सी को सिंहासन की संज्ञा दी जा रही है और भरत के खड़ाऊ रखने के प्रसंग को इससे जोड़ा जा रहा है। हालांकि तथ्य यह है कि यह राज व्यवस्था नहीं, आधुनिक लोकतंत्र है। भरत की अपने भ्राता श्रीराम के प्रति खड़ाऊ वाली श्रद्धा पर राजनीतिक कॉपीराइट लेने का यह आइडिया अरविंद केजरीवाल ने लगाया तो है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की राजनीति में यह नैरेटिव अगले 3-4 महीने में क्या सचमुच कोई चमत्कारिक असर डालेगा, खासतौर पर तब जब शराब घोटाले वाला नैरेटिव आपकी छवि को गहरे जख्म दे चुका है। वैसे अदृश्य होकर अपना मकसद पूरा करने की तकनीक 1987 में आई हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में भारत के लोगों ने देखी थी। इस फिल्म का नायक एक ब्रेसलेट पहनकर अदृश्य हो जाता था और उस शक्ति की मदद से उसने खलनायक मोगैम्बो को हराकर अपना मकसद पूरा किया था। लेकिन वो फिल्म थी, ये सियासत है। यहां अरविंद केजरीवाल अपना मकसद पूरा कर पाते हैं या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिक्र में बात महाराष्ट्र में बदलापुर केस के एनकाउंटर की, जिसमें बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे आज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीम अक्षय शिंदे को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए तलोजा जेल पहुंची थी। इस दौरान अक्षय ने आरोप है कि पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, गाड़ी में बगल में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर का हथियार छीनकर उन पर 3 राउंड फायरिंग की। इसमें पुलिस अधिकारी घायल हो गए। बाद में दूसरे अधिकारी ने जवाबी फायरिंग में अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया। अक्षय को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। हालांकि पहले खबर यह आई थी कि अक्षय शिंदे ने पुलिस से रिवॉल्वर छीनकर खुद को गोली मार ली। आपको बता दें कि अक्षय पर 12-13 अगस्त को स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण के आरोप लगे थे। घटना के विरोध में लोगों ने बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। फिलहाल अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष विजय
विडिटीवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके न्यायिक जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सवाल पूछा है कि क्या फरार आरोपियों को बचाने के लिए मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया और क्या मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। उधर घटना पर सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने बताया है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्षय शिंदे को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था, इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, बाकी जांच के बाद पता चलेगा। मामले पर कैसे राजनीति गर्म हो रही है, इस पर नेताओं के बयान सुनिए। ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, इसके लिए वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस के बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, महिला ने गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। इसकी भी इंक्वायरी चल रही थी, इससे भी कुछ बातें सामने आई थी क्या? क्या उससे सरकार को या किसी विशिष्ट संस्था को अड़चन पैदा होने वाली थी? ऐसे अनेक सवाल जो है इस एनकाउंटर में खड़े हुए हैं। पुलिस के बंदोबस्त में जो आरोपी विकृत है ये मान भी लिया जाए तो इतना उसको बंदूक चलानी आती है ये मानना भी बहुत कठिन है, और कोई बात बड़ी बात छुपाने की कोशिश हुई ऐसा भी हमें लगता है, तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सच जो है वो सामने आना चाहिए। बदलापुर के जिस नराधम ने दो नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है, तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट पेश है? अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। तेरी पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। महाराष्ट्र के बाद अगली खबर यूपी एनकाउंटर में जाति वाले कलेश के एक्सटेंशन पर। पिछले दिनों जिसकी चर्चा यूपी में काफी ज्यादा रही, सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस मुद्दे पर काफी आक्रामक बयान दे चुके हैं और अब इस चर्चा का एक्सटेंशन हुआ है क्योंकि यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल एक और आरोपी का आज सुबह एनकाउंटर हो गया। इस आरोपी का नाम अनुज सिंह है। अनुज सिंह से पहले इस लूट में शामिल रहे मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद यूपी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा था। विपक्ष ने दावा किया था कि मंगेश यादव का सिर्फ इसलिए एनकाउंटर हुआ क्योंकि वो यादव था। अब जब राजपूत जाति के आरोपी अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ, सो सत्ता पक्ष ने विपक्ष से, खासकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि क्या अब भी यही कहेंगे यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर होता है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। हालांकि अनुज सिंह के एनकाउंटर की निंदा के बाद भी अखिलेश यादव पर हमले कम नहीं हुए। यूपी सरकार के अलग अलग मंत्री आंकड़ों के साथ अखिलेश यादव पर तीखे बयान चला रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, जाट और गुर्जर मारे गए। अखिलेश जी को यह देखना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि अखिलेश यादव अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं। हमारी सरकार कानून के हिसाब से काम करती है। जबकि फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है ये बाबा जी के राज में करिश्मा है कि दिन दहाड़े लूट, चोरी और डकैती होती है। नेताओं के ऐसे ही बयानों पर हमने फिक्र की एक छोटी सी रील तैयार की है जिसे आप समझ पाएंगे कि अपराधों के एनकाउंटर कैसे यूपी में जाति वाले चुंबक से वोटों को एकजुट कर सकते हैं और निर्णायक साबित हो सकते हैं। जो लोग जाति का तमंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जब सरकार पे ठाकुरवाद के आरोप लगे तो एक उसको उसका उसी समय
बड़ा ही कोई इंसिडेंट है कि उसी समय उसका इनकाउंटर हो जाता है। उनके जितने भी इनकाउंटर ये इस केस में 2-3 हुए हैं, जो परिजन परिस्थितियाँ और सारे जानकार लोगों के मुताबिक ये सब संदेश हैं, संदेहास्पद हैं। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के। इनकाउंटर करना ही अपने आप में एक हत्या है। अगर इनकाउंटर होता है तब बात अलग है, इनकाउंटर किया जाता है तब बात बिल्कुल वो हत्या जैसी है। 5 के 5 करोड़ रुपए का सामान बरामद होना चाहिए तब ये माना जाएगा कि आप कोई असली काम कर रहे हैं, वरना ये माना जाएगा आप सिर्फ गुड वर्क और सरकार के दबाव में इन सारे कामों को कर रहे हैं। ये जांच एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त हैं, हमारी सरकार में सजा देने के लिए अवसर प्राप्त है। अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। बाबा जी का राज का करिश्मा है कि दिन दहाड़े ज्वेलर के घर में डकैती पड़ रही है, कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल का राज पैदा हो गया है, ये सरकार पूरी तरह फेल है। अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी संलिप्तता है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे यूपी में सुल्तानपुर लूटकांड के एनकाउंटर की बैलेंस शीट देखें तो इसमें डकैती डालने वाले गैंग में 14 अपराधी थे। इनमें से 11 अपराधियों की या तो गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ ने मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार दिया। इनके अलावा अब तक 3 अपराधी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। एनकाउंटर के मामले में अक्सर सवाल उठता है कि क्या वो वाकई में एनकाउंटर था या फिर कुछ और। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2017 से 22 के बीच पिछले 5 सालों में देश में 655 एनकाउंटर हुए। सबसे ज्यादा 191 एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में हुए। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 5 साल में 117 एनकाउंटर हुए। बड़े राज्यों में देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां एनकाउंटर में मौत के मामले बेहद कम है। राजस्थान में 8, मध्य प्रदेश में 13 और पंजाब में 6 मामले सामने आए। एनकाउंटर के मामले में यूपी भले ही दूसरे नंबर पर है, लेकिन जिन एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। अकेले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने साल 2000 से लेकर 2017 के बीच फेक एनकाउंटर के 1782 मामले दर्ज किए। इनमें 784 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। वैसे भारत में एनकाउंटर जांच अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में 16 पॉइंट्स के साथ मैजिस्ट्रियल जांच के को अनिवार्य किया गया है। यह जांच उन मामलों में होती है जब एनकाउंटर में मौत होती है। इसका मकसद फेक एनकाउंटर पर रोक लगाना और ऐसे मामलों का सच सामने लाना होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर मामले में सच सामने आ पाता है। खैर, अब एक और सच से सामना करने का वक्त आ गया है और वो बहुत बड़ी खबर है, आस्था से जुड़ी है, हमारे फेथ से, बिलीफ सिस्टम से जुड़ी है, जिस पर शायद किसी ने चोट पहुंचाई। फिक्र में हम बात करते हैं मंदिर के प्रसाद में घोटाले की, जिस पर ऑल इंडिया कलेश छिड़ चुका है, क्योंकि ये सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि ये चोट है करोड़ों लोगों की आस्था पर जो मंदिरों में जाते हैं, आंख मूंद कर प्रसाद ग्रहण करते हैं इस विश्वास के साथ कि आखिर भगवान के घर में तो कोई मिलावट कैसे कर सकता है। लेकिन मंदिरों के प्रसाद को लेकर देश भर से जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, उसमें विश्वासघात की अच्छी खासी मात्रा है। फिक्र में आज आपको बताने वाले कि कैसे तिरुपति मंदिर के बाद अब देश के दूसरे बड़े मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के मथुरा वृंदावन मंदिर के प्रसाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खाद्य विभाग की जांच में प्रसाद के सैंपल फेल हो गए हैं। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव के प्रसाद वाले सवाल के बाद बीजेपी ने क्या जवाब दिया है, यह भी देखिएगा। मध्य प्रदेश में मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता पर भी अब प्रश्न उठ रहे हैं, इसकी जांच की बात की भी की जा रही है। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश के मंदिरों के प्रसाद की क्वालिटी की भी जांच होगी। और जिस मंदिर के प्रसाद वाले कलेश की शुरुआत हुई थी, यानी आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर, वहां विश्व प्रसिद्ध प्रसादम में चर्बी की पुष्टि पहले ही हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी एसआईटी जांच की याचिका डाली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, पंचगव्य से मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, जिसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं।
अगर घोटाले की भाषा में बात करें तो जिस तरह करप्शन की कंक्रीट और बेईमानी के सीमेंट से बना पुल सेकंडों में गिर जाता है, ठीक उसी तरह मंदिरों के प्रसाद का जांच में फेल होना करोड़ों लोगों के विश्वास का पुल को जो है गिरा देता है। और इस फेहरिस्त में ऐसे मंदिरों के नाम आते हैं जहां प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं, पंक्तियों में लगकर प्रसाद खरीदते हैं। इससे जुड़ी आज की सबसे शॉकिंग न्यूज यूपी के मथुरा वृंदावन मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां के प्रसाद की शुद्धता पर सवाल भी उठ रहे हैं और विशुद्ध राजनीति भी हो रही है। सवाल उठने के बाद मथुरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मंदिरों के बाहर बिक रहे प्रसाद के सैंपल एकत्रित किए थे। इन मंदिरों में वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और गोवर्धन मंदिर था। इन मंदिरों के बाहर प्रसाद की दुकानों से सैंपल लिए गए। 13 सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। आज कई सैंपल इस जांच में फेल हो गए। हालांकि तिरुपति मंदिर की तरह यहां अब तक किसी बड़े घोटाले की खबर नहीं है, लेकिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मथुरा वृंदावन में पेड़े के कई सैंपल फेल हो गए। पेड़े के सैंपल में स्टार्च अरारोट की मिलावट पाई गई। अधिकारियों के अनुसार जब दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वो प्रसाद में किसी तरह की मिलावट ना करें। 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे मथुरा वृंदावन के प्रसाद की क्वालिटी पर सवालों वाला विवाद हो रहा है। अभी जो सैंपल आपने जांच किए हैं, क्या रिपोर्ट आई है? ये हमने जो है अभी पेड़े के नमूने और मेनली जो है खोए की मिठाइयाँ थी, इसके नमूने लिए हैं। तो ये इसमें जो एक नमूने में स्टार्च की मिला है, उपस्थिति पाई गई है। हर जगह मंदिरों के आसपास और सभी हमारे जो प्रमुख बाजार हैं, सब जगह लिया जाता है। तो सैंपल हम लोग लगातार जो है इसकी जांच कर रहे हैं। कुछ नमूने हैं जो अधोमानक पाए गए हैं और उनको भी दुकानदारों को जिनके अधो। जैसे जैसे मंदिरों के प्रसाद पर विवाद बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन मंदिर के प्रसाद पर सवाल उठाए थे। जब उनसे तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद पर सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था कि वृंदावन में भी ऐसी ही बातें सुनने को मिल रही हैं, यहां सही क्वालिटी का खोया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें मंदिर और प्रसाद जैसे विषयों पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। जहाँ इस मिलावट को रोकने के लिए मथुरा में भी और प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी विभाग ने कार्रवाई की है और कई मंदिरों ने पहल करते हुए अपने यहाँ सूखे मेवे के प्रसाद को चढ़ाना स्वीकार किया है। निश्चित रूप से डिंपल यादव को ऐसे विषय पर राजनीति करने से बचना चाहिए। जो प्रसाद में मिलावट कर रहे हैं उनको तो कानूनी कार्रवाई का प्रसाद मिलना ही चाहिए।